टूर्नामेंट होने 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 आ रहा है, होने जा रहा है, उसके अंदर 31 कबूतर उड़ा जाएंगे, तो इसमें से अपन टोटल पूरे कल्चरे कबूतर उड़ाएंगे पूरे 31। वसीम मकरानी झांसी वालों के ये प्राइस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो प्रेजेंट में जो कि है चार जो कि आपको सील वगैरह दिख रही हैं, ठीक है। पर क्या है कि जो LCD और फ्रिज बॉक्सिंग मशीन मिले हुए थे तो वो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते, यहाँ खाली गाड़ी भी जीती थी आपने। अच्छा, कौन सी गाड़ी जीती थी? टीवी स्टार माशाल्लाह। और मतलब कौन से टूर्नामेंट जीती थी? गोल्डी भाई वाले फर्स्ट टाइम पहला उसमें अपन ने टीवी स्टार गाड़ी जीती थी। अच्छा, एक गाड़ी है और 51,000 रुपए। अरे वाह माशाल्लाह। हमारे घर का पट्टा है जो 3 साल से हमारे पास उड़ रहा है ये पट्टा, और 5 और 5.5 पे बैठता है ये कबूतर। और लिया सुल्तान से दिल लगाने के बाद दुनिया की हसरतें पूरी हो गई, जरूरत नहीं दुनिया की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरिस कादरी पिजन। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं झांसी, और झांसी का जो एरिया कौन सा है वसीम भाई आपके यहाँ का? सुपर कॉलोनी दोस्तों। और जिनकी छत पर हम अवेलेबल हैं वो भी हमारे साथ अवेलेबल है दोस्तों, तो उनका नाम है वसीम मकरानी जो कि 4 साल से इस झांसी के अंदर में विजेता रह चुके हैं दोस्तों। मतलब बाजी जो है टूर्नामेंट हो या बाजी हो बराबर उड़ा रहे हैं, और उड़ाने के बाद माशाल्लाह जीत भी रहे हैं बराबर। तो दोस्तों उनके आप लोगों को 400 से 450 कबूतरों का शौक कराएंगे। सबसे पहले उनसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम भाई। और वसीम भाई कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। तो दोस्तों अब मिलने वाले हैं हम महेंद्र भाई से दोस्तों, जो हमारे साथ बाजू में हैं, अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम महेंद्र भाई। वालेकुम अस्सलाम। और महेंद्र भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। तो दोस्तों मिलने वाले हैं हसीब भाई से जी। हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं हसीब भाई? और बताइए वसीम भाई, जो कि अपने पास में जो नेक्स्ट जो टूर्नामेंट होने वाला है वो कितने कबूतरों का होने वाला है, और आपके जो उस्ताद हैं उस्ताद के जरिए से आप कबूतर उड़ाते हैं कि खुद ही कबूतर उड़ाते हैं? जी हमारे उस्ताद हैं बबलू भाई। जी बबलू भाई, उनको पेंटर नाम से उनको जाना जाता है, बबलू भाई को हमारे। अच्छा। वो हमारे उस्ताद हैं और उन्हीं का सहयोग है हमारे लिए। 4 साल से उन्हीं का मतलब खेल पानी लग रहा है हमारे कबूतर को, और उन्हीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। आज मैं ग्वालियर झांसी का विजेता बना हूँ, और अभी जो टूर्नामेंट आ रहा है ग्वालियर का झांसी का 18 नवंबर को 31 कबूतर टूर्नामेंट उड़ाना है। उड़ा रहे हैं अपन, एंट्री भी हो चुकी है अपनी, और झांसी से अपना 21 कबूतर हैं, और 14 नवंबर को उड़ान होगी। दोस्तों ग्वालियर का जो है अलग है और झांसी का जो है दोस्तों अलग है। अब हम आप लोग वसीम भाई से दोस्तों पूछेंगे कि किस तरीके से आप कबूतरों को उड़ाते हैं, ठीक है, और अपने जो कबूतर हैं कौन कौन सी नस्ल के उड़ाते हैं, ठीक है। तो बताइए वसीम भाई कि आप अपने कौन से कबूतरों को उड़ाते हैं, कौन सी नस्ल ज़्यादा आप उड़ाते हैं अपने घर से? जी हमारे कबूतर हमारे पास कल्दुमे कबूतर हैं, ठीक, जो घर के कबूतर हमारे घर के बच्चे निकले हुए हैं, उनको हमने हमारे उस्ताद ने हमको दिया थे। तो रामपुरी कबूतर हैं अपने पास, और कल्चरे कबूतर हैं चिलपरे कबूतर हैं भाई, हमारे उस्ताद के यहाँ के पट्टे हैं जी। तो वही कबूतर हमारे 4 साल से जिताते हुए आ रहे हैं हम उन कबूतरों को, वही नस्ल मेरे पास है अभी बिल्कुल, और उसी नस्ल से अपन ने पट्टे भी निकाले हैं। अच्छा। इस साल भी मैंने 100 पट्टे निकाले हैं उन कबूतरों के माशाल्लाह। हाँ। और हमारे उस्ताद के समझ लो बहुत वो है हमारे लिए, उनने अच्छा। बहुत अच्छी नस्ल दी है मुझे। हाँ। तो वही नस्ल मेरी चली आ रही है, और मेरे पास गर्रे कबूतर हैं, मतलब हर तरह का कबूतर है मेरे पास अभी इस टाइम बिल्कुल। और इसके बाद आगे भी अपन तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, और अच्छे 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 कबूतर अपन रखेंगे। हाँ, और कबूतर अपने पास बहुत अच्छा है बिल्कुल माशाल्लाह। अपन 4 साल से अपन को जो ला रहे हैं जीतते हुए अपन को। जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों अब जो है आगे चल के वसीम भाई के कबूतरों का आप लोगों को शौक कराते हैं एक एक से करके। ये इतने सारे कबूतरों का शौक नहीं करा पाएंगे, पर कुछ जो कबूतर हैं उम्दा किस्म के दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है। और जो कि चलिए सबसे पहले वीडियो की ओर, और वीडियो में आप लोग कबूतर दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये वसीम भाई के कबूतर
उड़ भी रहे हैं, यहाँ पर दाना भी डाला जा रहा है कबूतरों को दोस्तों, ये देखिए। और अभी इस टाइम में छत पर खुला होगा 100 कबूतर के समथिंग दोस्तों, ठीक है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार नज़ारा कबूतरों का, ये देखें दोस्तों। और ये देखें दोस्तों कासनी कबूतर, और बहुत सारे कबूतर हैं ललदुमे कलदुमे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे कबूतर हैं। ये देख लें दोस्तों, ये वसीम भाई के जाल बने हुए हैं। और दोस्तों आप लोगों को जो शौक़ है ये झांसी का कराया जा रहा है क्यारिश कादरी पिजन्स पर दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें दोस्तों, जल्द कर लें। आप लोगों को बाजी टूर्नामेंट इसके सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ये देखें कितना शानदार कबूतर मादिन बैठी हुई दोस्तों, माशाल्लाह बहुत शानदार मादिन। ये देखें इलाहाबादी कबूतर दोस्तों, ये देखें कलदमा बहुत जानदार दोस्तों, ये मोतिन। और ये तैयार हो रहे हैं दोस्तों ये कबूतर, ठीक है, ये सारे के सारे तैयार हो रहे हैं तैयारी पे, जो कि पड़े हुए हैं ये कबूतर दोस्तों, चेक करें माशाल्लाह। ये देखो दोस्तों, और इस जो कि झांसी के अंदर कबूतर भी बहुत उड़ते रहते हैं दोस्तों, माशाल्लाह। ये देखो दोस्तों, तो वसीम भाई जो आप कबूतर लेकर आए हैं जी व्यूअर्स के लिए, तो ये आपके पास कितनी बाजियों में उड़ चुका है, कितने सालों से आपके पास उड़ रहा है ये कबूतर? ये कबूतर हमारा कलदमा कबूतर है, हमारा घर का पट्टा है, जो 3 साल से हमारे पास उड़ रहा है ये पट्टा। अच्छा। और 5 और 5.5 पे बैठता है ये कबूतर, और 5.5 पर। हाँ, और इसका एक रिकॉर्ड है जो आता है 1 बजे और पलटी खिलाता है कबूतरों को। अच्छा, फिर वापसी आता है, 5 बार वापसी होता है ये कबूतर मेरा। अच्छा। और 5.5 का इसका रिकॉर्ड है, हर उड़ान में 5.5 पे आया ये पट्टा। दोस्तों आप लोगों को जो है इस कबूतरों का शौक कराएंगे इस कबूतर का, तो सबसे पहले वसीम भाई इस कबूतर का शौक कराएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए भाई बहुत ही अच्छी तरीके से, ये देखें दोस्तों, सबसे पहले आप लोग आंखों का शौक करें इस कबूतर की। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत प्यारा सहारनपुरी की, मतलब इसमें हल्का सा इसमें क्रॉस लगा हुआ है दोस्तों, सहारनपुरी कबूतर का। आप लोगों की इसकी पलके जो है दिख रही होंगी, आंख भी दिख रही होगी दोस्तों। और अब जो है वसीम भाई इसके पंजे दिखाएं जरा, ये चेक करें दोस्तों, ये रहे दोस्तों पंजे, ये कबूतर के रहे दोस्तों पंजे, उसको पंजे बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कबूतर माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों इस कबूतर के पर, अब जो है आप लोगों को जाल के अंदर ही जाकर शौक कराते हैं दोस्तों कबूतरों का। कबूतर हमारा ये चेक करें दोस्तों, ये है कलसरा का। और ये वसीम भाई कितना उड़ा हुआ है अपने पास में भाई? ये भी इसका भी रिकॉर्ड है 3 से लेके 5 बजे तक बैठता है ये कबूतर, 3 से लेके। हाँ, और जो हमारी उड़ान होती उस साल बैठा था 5:45 पे, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5:45 बजे। इसकी आंखों का शौक करा, देखिए ये देखें दोस्तों, ये कबूतर जो है मुल्ला जी वाली नस्लोमत से है दोस्तों, राजस्थान के जो कि मुल्ला जी थे, ये चेक करें माशाल्लाह बहुत प्यारी आंखों के कबूतर है दोस्तों। आप लोगों ने अब जो है वसीम भाई इसके पर पल्ले पूंछ ये देखें माशाल्लाह बहुत शानदार, कितना ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त टहल है दोस्तों इस कबूतर की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अब जो है ये दोस्तों खुद के पंजे हैं कबूतर बहुत शानदार। और जो है वसीम भाई आप जो इतने कबूतर आपके हैं 100 से 150 कबूतर होगा, तो आपने ये सारे के सारे कबूतर टूर्नामेंट में उड़ाने के लिए लगाए जी? इसमें से अपने पूरा कबूतर तोड़ने वाला है, पूरा अपना क्रॉस बैठा हुआ है अपना, अपने पास 200 कबूतर होगा, 3-4 बजे कबूतर आता है अपना जो, उसके बाद भाई उड़ान में क्या है जो टूर्नामेंट होने जा रहा है उसके अंदर 31 कबूतर उड़ा जाएंगे, तो इसमें से अपन टोटल पूरे कल्चरे कबूतर उड़ाएंगे, पूरे 31 कल्चरे लगाएंगे हमारे।
देखिए इसका रिकॉर्ड क्या है वसीम भाई? इसका रिकॉर्ड है 1 बजे से लेकर 3 बजे का। 1 बजे से 3 बजे का। सुबह कितने बजे उड़ते हैं? सुबह 6:15 पे उड़ाएंगे कबूतर। अच्छा, हाँ। बॉर्डर कितने का रहता है? बॉर्डर 12 बजे का, मतलब इस मौसम से 12 बजे। हाँ, 6 घंटे का बॉर्डर। 6 घंटे का बॉर्डर। ये देखें दोस्तों, अब आप लोगों को इस कबूतर का माशाल्लाह रिंग देखें दोस्तों, मुकम्मल बहुत ही प्यारा कबूतर दोस्तों, बहुत ही शानदार बनारसी कबूतर है दोस्तों। ये चेक करें इसकी पंजी, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं, ये छत जो है 4 साल रेगुलर लगातार जीती हुई है टूर्नामेंट एंड बाजी, ठीक है, झांसी चैंपियन रह चुके हैं। साथ मिलने वालों को छोड़कर, साथ मिलने वालों को छोड़कर ओपन चैलेंज भी है दोस्तों। ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म के कबूतर दोस्तों। अब ये हमारा ताकी कबूतर है, ताकी कबूतर। हाँ, हाँ। 5 साल से जो भी इसके 4 लड़के हैं, तो चारों ही 1 से लेकर 5 के बीच में बैठते हैं। अरे चारों भाई इसके अभी मेरे पास प्रेजेंट में है, और इनका रिकॉर्ड है यहाँ, जहाँ से उड़ेंगे उधर ही बैठेंगे, अगर मस्जिद पे हैं तो मस्जिद पे ही बैठेंगे, अच्छा। जाल पे हैं तो जाल पे, इसकी सुबह कहीं नहीं बैठेंगे, उधर ही बैठेंगे। हाँ, इनकी क्या है, लगड़ की सुबह कोई नहीं ले पाया है ना। अच्छा, की सुबह दोस्तों, आप लोग आंख देख लें इस तरीके की है कबूतर की आंख, जैसे कि जो कि उड़े हुए कबूतर होते हैं वाइट आंख के, उनकी हल्की रेड आ जाता है, रेड जो होता है लाल तरीके का, जो जर्रात बोलते हैं दोस्तों हम। ये लें आप लोग और करीब से कबूतर की आंखों का शौक करें दोस्तों, ये चेक करें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पंजे जरा दिखाएं बसिम भाई इसके, खुश के पंजों के सारे दोस्तों जितने भी कबूतर देखने को मिल रहे हैं मुझे, खुश के पंजे और पंजों में गरारियाँ हैं, जो कि ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं दोस्तों। ठीक है, नस्ल का है कबूतर जो चिलपरा कबूतर है अपना? अच्छा, चिलपरा, चिलपरा कबूतर है, और इस कबूतर की भी 1 से लेकर 5 बजे की आने का टाइम है इसका, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का, इस बीच में आता है कबूतर दोस्तों। कबूतर ऐसे उड़ते नहीं, कबूतरों को उड़ाने वाला चाहिए, ठीक है। आपको जितने भी कबूतर दिखेंगे यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा बेकलर कबूतर दिखेंगे, बस सूरत आपको लगेगा उड़ेंगे नहीं, और वही कबूतर यहाँ पर टैम कर रहे हैं दोस्तों। ये चेक करें दोस्तों, बाहर इसलिए नहीं खोल सकते अपन इस कबूतर को, अभी अगर खोल देंगे तो ये उड़ जाएंगे दोस्तों। ये चेक करें आप लोग आंखों की क्वालिटी कबूतर की, बहुत ही उम्दा किस्म के कबूतर दोस्तों माशाल्लाह, बहुत शानदार। पंजे ज़रूर देखना चाहेंगे एक बार हमारे व्यूवर्स वसीम भाई, ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पंजे। वसीम भाई, ये कबूतर आपके पास में कितने सालों से है? ये कबूतर को मेरे पास 8 साल हो चुकी है इस कबूतर को। अच्छा। जो हमारे बबलू भाई हैं, जो उस्ताद हमारे, उन्हीं ने दिया था मुझे ये। अच्छा। तो उन्हीं के यहाँ का पट्टा है, तो आज मेरे पास 7 साल से है ये कबूतर। 7 साल से कबूतर उड़ रहा है टूर्नामेंट जी, टूर्नामेंट में हर साल लगाते हैं इस कबूतर को हम। अच्छा। हर साल 2 और 2.5 के बीच में आता है ये कबूतर। हाँ, तो इसकी भी दोस्तों आप लोग, ये रही आप दोस्तों ओरिजिनल कबूतर है दोस्तों, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और इसके पट्टे ना ये कबूतर कभी गिर नहीं सकते, कहीं जाया नहीं हो सकते ये कबूतर दोस्तों। इनकी जो आंखें की काले रिंग है ना, वो फुल मुकम्मल है दोस्तों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। पंजे जरूर दिखाएं बसिम भाई इस कबूतर को, ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पंजों का शौक कर ही लिया है माशाल्लाह, बहुत प्यारे पंजे इस कबूतर के दोस्तों। अब इसको छोड़ा है, मगर जो पलटियाँ खेलते हैं ये कबूतर मेरे। अच्छा। हाँ, आते और जाते हैं, मतलब अच्छा, वो वापस चले जाते हैं, वापसी लौटे आते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और सुबह 6:15 पे होते हैं, शाम को 5 बजे ही आते हैं अपने घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदा किस्म के कबूतर। पर लोग आप लोग शौक जरूर करने एक बार, ये देख लें दोस्तों, ये पर हैं और ये टेल देखें दोस्तों, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन पंजों का शौक कराएं जरा बसिंग इस कबूतर। ये देखें दोस्तों, ये कबूतर के पंजे हैं,
माशाल्लाह खुश्क पंजों कबूतर है दोस्तों। और इसकी